सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ वो है मेरा कॉलेज का कैंपस, क्योंकि पिछले बहुत दिनों से मुझे इंस्टाग्राम पे DM आ रहे थे और पिछले वीडियोस में भी बहुत सारे अपकमिंग स्टूडेंट्स ने कमेंट में डाला था कि भाई यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर एक कर दो। तो पूरा यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर तो पॉसिबल नहीं है भाई, एक ही दिन में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। जहाँ से बेसिकली मैं मुंबई से हूँ वहाँ पर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी यूजुअली होती नहीं है, ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। और जैसा कि मेरे पीछे तुम लोग देख रहे हो, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। ये यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी का एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी सेंटर बोलते हैं इसको, UC बोलते हैं। और ये सब आउटडोर का सिटिंग एरिया है। तो ये सिटिंग एरिया है और यहाँ से एक रास्ता जाता है मेन रोड की तरफ। बेसिकली यहाँ से मैं जा रहा हूँ पहले वेस्ट हॉल करके एक जगह है जहाँ पर ऑन कैंपस जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनका बेसिकली जो मेलिंग एड्रेस जो जिसको बोलते हैं, ये सामने वाली बिल्डिंग जो है ये वेबस्टर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है पूरी। ये जो है ये एक मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी के अंदर एक छोटा सी कैफ़े भी है और यहाँ पर जो है ये इंडोर स्विमिंग पूल वगैरह, इंडोर स्पोर्ट्स के लिए जो है ये पूरी बिल्डिंग उसकी है। और इसी तरह वीडियो में बने रहो भाई, जितना मैं आज घूमने वाला हूँ मैं तुम लोग को बताऊँगा यूनिवर्सिटी में क्या क्या है क्या नहीं है। तो मिलते हैं। तो ये जो है ऑन कैंपस लाइब्रेरी की मेन बिल्डिंग है और ये फ्रंट साइड का मेन एंट्रेंस है। और उसी के ठीक ऑपोजिट में ये लोरेटो सेंटर है जिसको यूजुअली हम लोग लोरेटो हॉल बोलते हैं। इसमें बेसिकली फंक्शंस वगैरह होते हैं और ये काइंड ऑफ एम्पीथिएटर जैसा है। और ठीक उसके ऑपोजिट में यहाँ पर जो है ये ऑन कैंपस स्टूडेंट्स जो रहते हैं उनका अकोमोडेशन यहाँ से लाइन से स्टार्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ से अभी आगे जा रहा हूँ और फिर तुम लोगों को बताऊँगा कि भाई वो ऑन कैंपस स्टूडेंट्स लोग जहाँ जहाँ रहते हैं उसमें क्या क्या फैसिलिटी रहती है। ये जो हाउसिंग देख रहे हो आप सब, मैं चलते चलते ही बताने वाला हूँ। ये पूरा एरिया है ऑन कैंपस स्टूडेंट्स का। ऑन कैंपस स्टूडेंट्स लोगों का जो अकोमोडेशन है ये वो आता है, वीडियो थोड़ा शेकी होगा। और यहाँ से अभी अंदर जाएंगे, मैं पूरा बताता हूँ ऑन कैंपस स्टूडेंट्स लोग का जो अकोमोडेशन होता है वो कैसा है। इस सामने जो छोटा सी बिल्डिंग देख रहे हो आप लोग वो लॉन्ड्री के लिए है। जो ऑन कैंपस स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए ये पूरा लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ है। और ये सामने वाली जो बिल्डिंग है ये वाली, ये साइंस बिल्डिंग है, मतलब ये साइंस डिपार्टमेंट वालों की बिल्डिंग है। यहाँ पर सब जितना साइंस रिलेटेड जो कोर्सेज है उनकी क्लासेस यहाँ पर होती है। तो अभी यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे और मैं बताऊँगा कि भाई ये देखो, ये पूरा एरिया जो है ये पूरा ऑन कैंपस स्टूडेंट्स का है। उसके पहले मैंने जो बताया था इंडोर स्विमिंग पूल था और ये जो है ये आउटडोर स्विमिंग पूल है। फिलहाल तो बंद है क्योंकि ठंडी है और मैंने एक गलती बहुत बड़ी कर दिया हुआ आज कि मैं ग्लव्स पहन के नहीं आया हूँ। मैंने सोचा इतनी ठंडी नहीं रहेगी लेकिन सडनली टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है फॉर वन। तो हालत देखो हाथ की क्या हो गई है। चल रहे अभी वीडियो भी बनाना है और मज़े भी करने और इसके बाद क्लास जाना है। पहली बात तो मज़े क्या है, देखो ये सब स्टूडेंट्स की कार्स वगैरह पार्क की हुई है। ये ऐसी बगी रहती है यहाँ पर वेबस्टर यूनिवर्सिटी की, जो एम्प्लॉय लोग रहते हैं वो लोग यूनिवर्सिटी में अंदर ही अंदर सब जगह जाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद ये एक और थिएटर है ऑन कैंपस जिसमें कॉलेज के बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, ओपेरा थिएटर ऑफ सेंट लुइस बोलते हैं जिसको हम लोग। इसके ठीक पीछे ये जो वाइट बिल्डिंग दिख रही है ये अलुमनाई हाउस है। यहाँ पे जितने भी अलुमनाई लोग हैं उन लोग की मीटिंग्स वगैरह ये वो बहुत कुछ होते रहता है। फिर यहाँ से आगे चल के मैं बताता हूँ आप लोगों को कि अलुमनाई हाउस आगे से कैसा दिखता है। उसके बाद मेन जो बिल्डिंग में हम लोगों की क्लासेस होती है
वो बिल्डिंग बताता हूँ जिसको बेसिकली बोलते हैं ईस्ट एकेडमिक बिल्डिंग। तो बने रहिए वीडियो में और एंजॉय कीजिए। तो गाइज, ये अभी हम लोग आ गए हैं अलुमनाई हाउस पर, और ये है हमारा अलुमनाई हाउस कॉलेज का। ये कुछ ऐसा दिखता है अंदर, तो मैं आज तक कभी गया नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं कब जाऊँगा। इसके ठीक बाजू में ये जो बिल्डिंग है, ये स्टूडेंट्स की पार्किंग लॉट है। आई डोंट नो इतना बड़ा पार्किंग लॉट बना के क्या किया है लोग ने, क्योंकि हर जगह पार्किंग का स्पेसेस तो है। हाँ, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट अफेयर्स का एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, और इसके ठीक सामने ये जो बिल्डिंग है, ये वाली, ये है ईस्ट एकेडमिक बिल्डिंग, जहाँ पर मेरी क्लासेस होती है। यूजुअली यूजुअली नहीं, हमेशा यहीं होती है। अभी इसके अंदर भी जाने वाला हूँ मैं, इसके अंदर जाके बताऊँगा अंदर क्या क्या है क्या नहीं है। उसके पहले मैं, हाँ, उसके पहले ये देखो, ये जो बिल्डिंग है, ये जो एंट्रेंस दिख रहा है आपको, आगे भी जाऊँगा मैं, ये है म्यूज़िकल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि भाई यहाँ पर म्यूज़िकल डिपार्टमेंट भी है हम लोग के कॉलेज में, और म्यूज़िकल डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा फेस्ट भी होता है, जो कि आने वाले टाइम पे मैं जाऊँगा और तुम लोग को वीडियो भी बताऊँगा भाई। तो चलते आगे, क्या और क्या क्या है आगे देखेंगे। तो गाइस, ये वो बुक स्टोर है जिस बुक स्टोर के बारे में मैं बात कर रहा था। ये कॉलेज का ही एक बुक स्टोर है, जहाँ पर कॉलेज का मर्चेंडाइज भी मिलता है और बेसिक कॉलेज की नेसेसिटीज़ जो होती है वो यहाँ मिल जाती है यूजुअली। तो अभी अंदर लेके जाके बता दो क्या क्या है अवेलेबल। तो गाइस, बुक स्टोर में हम लोग आ गए हैं। तो बुक स्टोर में मैं बताता हूँ कि यहाँ पर यूजुअली थोड़ा बहुत स्नैक्स और ड्रिंक्स है, और वेबस्टर का जितना भी मर्चेंडाइज है, जैसा आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, हुडीज हो गए, स्वेटशर्ट्स हो गए। तो ये रहे मर्चेंडाइज, ये देखो, यू जस्ट थिंक ऑफ इट एंड यू विल गेट एवरीथिंग ओवर हियर। यहाँ पर स्वेटशर्ट्स हो गया, हुडीज हो गई, और ये देखो। और ऐसा भी नहीं है कि भाई कुछ चीप क्वालिटी वगैरह रहेगा, बहुत अच्छे होते हैं ये हुडीज़ वगैरह, मैंने भी एक दो लिया है। ये जैकेट्स हो गए, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, ये नेम इट एंड यू विल गेट एवरीथिंग। यहाँ पर कैप्स रखा हुआ है वेबस्टर यूनिवर्सिटी का, और आगे लेके जाके मैं बताता हूँ क्या क्या अवेलेबल है। ये हुडी बहुत मस्त लगी है मुझे भाई, लेकिन बट एक्शन स्टार्ट होता है यहाँ पर जो है, फोल्डर्स है, ब्लैंकेट्स है वेबसाइट यूनिवर्सिटी के, और ये आगे पूरा जो है प्रॉपर बुक स्टोर है, मर्चेंडाइज सब यहीं तक का है। इसके बाद चलते हैं अभी आगे के बिल्डिंग्स में, क्योंकि बहुत कुछ कवर करना है और उसके बाद मुझे मेरी क्लास में भी जाना है। तो क्लास भी बताओगा तुम लोग को आज, तो मिलते हैं।